हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज के इस सोमवार सुबह की प्रार्थना में हम सभी एक मन होकर प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद हो। प्रभुओं के प्रभु, आपकी स्तुति हो। आज के मेरे पिता परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना में आज के दिन की ब्लेसिंग्स आपने हमें दी है, छुटकारा दिया है, आज़ादी दी है, और पिता परमेश्वर एक नई उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने का अनुग्रह भी आपने हमें दिया है। उसके लिए भी मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्यारे प्रभु जी, जो आपके बेटे बेटियाँ यहाँ पर प्रेयर में मेरे पिता परमेश्वर ज्वाइन हुए हैं, इन सभी को मेरे पिता परमेश्वर भरपूर आशीष से आपने भरा है। मेरे पिता परमेश्वर छुटकारा इनको दिया है, मेरे पिता परमेश्वर आज़ादी इनको दी है, और प्रार्थना में और ज़्यादा बढ़ने का मेरे पिता परमेश्वर अनुग्रह आपने इन्हें दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर। सच में हम धन्यवाद के सिवा तो आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि सारा संसार तो आपका है मेरे पिता परमेश्वर। हमारे जीवन में जो पिता परमेश्वर खुशी है, जो आनंद है, वो आपकी वजह से है। और पिता परमेश्वर, हम जीवन जी रही है आपकी दया से, क्योंकि पिता परमेश्वर हमारे पिता परमेश्वर नाथनों में जो स्वास्थ्य है मेरे पिता परमेश्वर, वो भी आपके ओर से दिया हुआ है। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ आपके इतने अद्भुत और महान प्यार के लिए, कि उस प्यार के लिए आपने अपनी जान उस सूली पर दी, ताकि हम आज़ाद हो पाए, जो हम बंधनों में फंसे हुए थे, जो हम पिता परमेश्वर पाप के जाल में, पाप के कीचड़ में फंसे हुए थे, वो मेरे पिता परमेश्वर हमें छुड़ाने के लिए आपने अपना बेशकीमती लहू उस सूली पर बहाया और हमें आज़ाद किया। हमें पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए तैयार बनाया। मेरे पिता परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, आपके इन बेटे बेटियों को इसी तरह से प्रेयर में और ज़्यादा बढ़ने के लिए, और ज़्यादा मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने के लिए सहायता और मदद करना। मेरे पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर आपके चरणों के पास आकर, घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे प्रभु जी, सच में उनकी ज़िंदगी में अद्भुत बदलाव होने पाए, और वो प्रार्थना में, आराधना में और वचनों में और ज़्यादा आगे बढ़ने पाए, ऐसे आपके चरणों के पास मैं प्रार्थना करता हूँ। राजाओं के राजा, हम प्रभु जी कहीं भी हो, कैसे भी हो, लेकिन प्रभु जी हर परिस्थिति में हमें आपका धन्यवाद करना है, क्योंकि मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करने से हमें आनंद मिलता है, सच्ची खुशी मिलती है, और आपके साथ जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होता है। मेरे पिता परमेश्वर, हमें मदद करना मेरे प्रभु जी, बुरी संगत से, बुरे विचारों से बचे रहने के लिए भी हम सभी को सहायता करना मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस, परिस्थितियों को चेंज करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला खुदावन, दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, अद्भुत तरीके से आगे बढ़ाने वाले पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और ये रात के पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए भी हमें तैयार बनाना मेरे पिता परमेश्वर, आज के सुबह से लेकर रात तक भी संभाल कर रखना, पूरे दिन भर मेरे पिता परमेश्वर संभाल कर और पूरे दिन की अगुवाई करना पिता परमेश्वर। रात की प्रार्थना में जब हम ज्वाइन होंगे, तब पिता परमेश्वर पूरे दिन के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करेंगे। उस समय के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, इन भाई बहनों को सुरक्षित रखना और आने जाने में रक्षा करना। ये जहाँ कहीं जाते हैं उस जगह पर मेरे पिता परमेश्वर, ये प्रभु जी अद्भुत तरीके से आपकी बातों को फैला सके मेरे पिता परमेश्वर, से प्रार्थना करता हुआ। और जहाँ कहीं ये जाए मेरे पिता परमेश्वर, इनका उजाला लोगों के सामने ऐसा चमके कि उन्होंने प्रभु जी, उन लोगों ने इनकी ओर देख कर आपका गौरव करना चाहिए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। ये छोटी सी प्रार्थना विद्या आपने सुनी और सभी भाई बहनों को ब्लेस किए हैं। आमेन आमेन।